गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास SST क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 इंडिया आवर मदरलैंड, इंडिया हमारी मातृभूमि। यस्टरडे वी डिस्कस्ड सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। द सीज प्रोटेक्ट द इंडियन बाउंड्रीज इन द साउथ। सी का मीन्स क्या होता है? समुद्र। प्रोटेक्ट का मीन्स क्या होता है? सुरक्षित। राइट डाउन दिस वर्ड, द इंडियन बाउंड्रीज, इंडियंस बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मीन्स क्या होता है? सीमाओं। इन द साउथ, जो हमारी सीज है वो दक्षिण में हमारी इंडिया की बाउंड्रीज को, इंडिया की सीमाओं को क्या रखते हैं? सुरक्षित। जो हमारे समुद्र है वो दक्षिण में हमारी इंडिया की बाउंड्रीज को सुरक्षित रखते हैं। द ह्यूज माउंटेन ऑफ हिमालय, हिमालय के विशाल पहाड़। एक्ट एज ए बैरियर, मतलब बैरियर की तरह। फॉर इंट्रोड्यूसर, घुसपैठियों के लिए। फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से, मतलब कि जो हमारे ये हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ है वो जो घुसपैठियों के लिए, नॉर्थ से घुसपैठियों के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जो विदाउट परमिशन हमारी कंट्री में आ जाते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वो नॉर्थ साइड से हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज इज प्रोटेक्टेड बाय द थार डेजर्ट। जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज है, हमारी उत्तर पूर्वी बाउंड्रीज है, उत्तर पूर्वी सीमाएँ हैं, वो किससे प्रोटेक्टेड है, किससे सुरक्षित है? थार डेजर्ट से। नेक्स्ट, कन्याकुमारी इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप, मतलब दक्षिणी का छोर ऑफ द मेन लैंड इंडिया। जो कन्याकुमारी है वो हमारे इंडिया की मुख्य, इंडिया के मुख्य भाग पर दक्षिणी छोर में स्थित है। मीन्स कि कन्याकुमारी मुख्य भूमि के भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। मीन्स कि जो अगर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो कन्याकुमारी है वो साउथ पे बिल्कुल कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर पर स्थित है, मान लो आप इस बात को। हाउ एवर, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट। हालांकि साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री की जो है साउथर्न दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है, वो इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मीन्स कि हालांकि हमारे देश का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है, अगर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर नेबरिंग कंट्री, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। आवर नेबरिंग कंट्री मीन्स कि हमारे पड़ोसी देश। द कंट्रीज डैट शेयर अ कॉमन लैंड बाउंड्री विद इंडिया आर, मीन्स कि द कंट्री डैट शेयर, कंट्री देश जो शेयर कर रहे हैं अ कॉमन लैंड बाउंड्री, मतलब कि धरती की सीमाओं को विद इंडिया, इंडिया के साथ हमारी लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, उन देशों के नेम कौन से हैं? वो हमारे नेबर देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो हमारी मतलब पड़ोसी देश है, वो कौन से हैं? नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये जो है, ये सारे देश जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि हम इनके साथ अपनी लैंड की बाउंड्रीज को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। श्रीलंका एंड मालदीव आर आवर नेबर्स इन द सी, और समुद्र में हमारे नेबर कौन है? श्रीलंका एंड मालदीव। नेक्स्ट, अमेजिंग फैक्ट, अब देखो एक अमेजिंग फैक्ट क्या है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यह केवल एक कंट्री है, टू हैव एन ओशियन इन इट्स नेम इन इंडिया, मीन्स कि भारत में अपने नाम पर महासागर रखने वाला दुनिया का एकमात्र देश है, कि भारत है जिसने अपने ओशन का नेम अपने ही नेम पे रख रखा है। द ओशन इज़ नोन एज द इंडियन ओशन, और इस ओशन को किस नेम से जाना जाता है? इंडियन ओशन के नेम से। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टमोरो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।